शुभ बैटर जिम और आज सैटरडे है तो कल बाइड्रे का वर्कआउट था तो कल भी स्किप हो गया, पहले शोल्डर का वर्कआउट भी स्किप हो गया। तो आज तीन एक्सरसाइजेस बैक के लिए करूँगा, तीन एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग के लिए क्योंकि हैमस्ट्रिंग जो है वो तीन एक्सरसाइज ही मोस्टली ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसके साथ बैक ऐड कर रहा था क्योंकि उस पर ज़रा मुझे फोकस करना है, मेरा वीक मसल है। तो कोशिश क्या करें कि अपने वीक मसल को हफ्ते में टू टाइम्स टारगेट किया करें ताकि अपने वीकनेस को कवर किया करें। तो अभी जैसे जैसे एक्सरसाइज बिगिन करेंगे, सेट बिगिन करेंगे, देन लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। बैक से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज बैक की, देन हैमस्ट्रिंग का वार्म अप करेंगे और हैमस्ट्रिंग फ्री एक्सरसाइजेस। जिन लोगों के पास प्री वर्कआउट है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है कि आप जिम आने से पहले प्री यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं यूज़ कर सकते तो कोशिश क्या करें कि आप बीट रूट का जूस यूज़ कर लें या अगर प्री वर्कआउट मील अच्छी ले लें जिसमें स्वीट पोटैटोज़ हैं, चावल आ रहे हैं उबले हुए, और इसी तरह काफ का सोर्स जो होता है जिस तरह केले हो गए। तो वैसे इसके अलावा जो अगर बेनिफिशियल चीज़ है वो मैंने अभी रिसेंटली एक इंडियन फिटनेस जो है ना क्रिएटर है तो उसकी एक चीज़ फॉलो करना स्टार्ट किया है, उसने मुझे बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है। वो ये है कि मतलब आधा ग्लास पानी, उसके अंदर आप आधा नींबू ले लें, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा जो है वो नमक यूज़ कर लें। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करता हूँ लेकिन आप नमक नॉर्मल जो सॉल्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि ड्यूरिंग वर्कआउट आप एनर्जेटिक भी बड़ा फील करते हैं और गर्मी क्योंकि ज़्यादा तो क्या कहते हैं आपको जो है वीकनेस भी नहीं फील होती और पंप भी बड़ा ज़बरदस्त आता है उससे, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें, जिम आने से पहले पी के आएँ, शहद, नींबू और सॉल्ट पानी के अंदर आधे ग्लास। दस बज चुके हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अपर ट्रैप्स के लिए लैट पुल डाउन, एक फ्रंट लैट पुल डाउन होती है और एक बैक डाउन होती है। तो मैं मोस्टली बैक से स्टार्ट करता हूँ और अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोअर लैट्स के लिए करेंगे और फिर थर्ड एक्सरसाइज हम बैक की थिकनेस के लिए करेंगे। बैक एक्सरसाइज चूँकि लंबी होती है और बैक बहुत बड़ा मसल है तो कोशिश क्या करें कि इसको हफ्ते में दो दफ़ा ट्रेन किया करें, सारों को नहीं लेकिन ये है कि अपर ट्रैप्स या लोअर लैट्स को हिट करने की कोशिश किया करें। कोई बंदा भी नहीं मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे को मोस्टली लोग छुट्टी कर जाते हैं। तो ये है कि ये जो बेल्ट है ये सपोर्टिव बेल्ट है, मूवमेंट लोग यूज़ करते हैं। मेरे पास दो किस्म की बेल्ट पड़ी, एक वेट लिफ्टिंग और एक ये है। वेट लिफ्टिंग मोस्टली जो बेल्ट यूज़ होती हैं वो स्क्वाट्स के लिए होती हैं और हैवी डेडलिफ्ट्स और बेंच के लिए होती हैं। ये है कि बेसिक सिर्फ आपने बैक को सपोर्ट देना हो तो, और बहुत ज़रूरी है जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो मूवमेंट ये पहन लिया करें। अभी ये है कि जब मैं शोल्डर में इंजरी निकली थी तो इस वजह से फिर इतना हैवी वेट नहीं उठाता, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट किया हैवी वेट उठाना और अब दोबारा कंपटीशन लड़ने का मेरा प्लान बन रहा है तो प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेट्स सी किधर तक जा सकते हैं। शुभ बॉय, रिजल्ट्स देख सकते हैं आप, नेचुरल लाइट्स। बैक की हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, इसलिए कहता हूँ बैट पहन लो तो भी है कि सपोर्टिंग के लिए बड़ी फायदेमंद है। तो इसको आप तीन वेरिएशन से लगाएं, अपर लोअर लैट्स के लिए दोनों हिट हो जाती है। अगर आप इसकी ये वर्टिकल में ग्रिप रखेंगे तो आपकी बैक की थिकनेस पर काम करेगी, हॉरिजॉन्टल ग्रिप होगी तो आपके अपर लैट्स के लिए, और अगर आप रिवर्स ग्रिप में जाएंगे देन इट गोन बी लोअर लैट्स। तो डिफरेंट 777 वेरिएशन से ट्राई करें, बहुत अच्छा पंप आता है।
ओके सो ये थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी बैक के लिए। अभी यह है कि करके साथ बताया भी करूँगा कि किस चीज़ के लिए और कैसे परफॉर्म करनी है। ये पहले मैं क्लोज की ब्रॉड इसी जो है जगह लगाता था, लेकिन अब इसे सेम जगह वाइड ग्रिप में हमने किया है बैक की वेट के लिए। ये अब तीन एक्सरसाइज हमने होल बैक कवर कर ली ऑलमोस्ट, तो उसके बाद हम हैमस्ट्रिंग ट्राई करेंगे और उसका वर्कआउट बिगिन करेंगे। अभी 10 मिनट का रेस्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फौरन एक्सरसाइज करते भाग दौड़ कर जाएं, अगर आप दूसरा मसल ट्रेन करने लगे तो आप बीच में रेस्ट ले सकती हैं। और एक हमारी लोगों की हमत बड़ी है कि पसीना आ जाए, पसीना आना चाहिए तो अच्छा वर्कआउट होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदे का अपना हिसाब होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को कम आता है। तो पसीना जो है वो आपकी बॉडी जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है तो उसको कूल डाउन करने के लिए अंदर से पसीना आता है, ठीक है। उसका आपकी डाइट से ताल्लुक है, ये नहीं कि आप जून जुलाई के महीने में अपर पैंट के वर्कआउट कर रहे हैं तो ये सब बुलशिट है, ये एक मिथ है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि मिथ्स और फैक्ट्स क्या चीज़ हैं। और देन इसके बाद अलावा वर्कआउट बिगिन करते हैं लेग्स का और फिर देखेंगे। और दूसरी बात मेन ये कि जो है लोग अमूमन सेट्स के दरमियान जो है ना वो रेस्ट जो है ना बहुत कम लेते हैं कि इंटेंस वर्कआउट करना है, ज़्यादा रेस्ट ही करना, 15 to 20 seconds or 30 seconds। तो ये ठीक है, ये भी एक वर्कआउट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहना चाह रहे हैं गर्मियों के अंदर, हाँ सर्दियों में ये हो सकता है कि आप ठीक है, आपके पास स्टैमिना भी होता है, पावर भी होती है, आप लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया होता है बंदा, फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं तो मसल लॉस का ये भी फैक्टर बन सकता है अगर आपकी डाइट कम्प्लीट नहीं है। तो कोशिश करें कि 2 to 3 minutes जो है वो रेस्ट दें आप बिटवीन सेट्स। ये आप अपनी ब्रीदिंग जो है वो स्टेबल करें कि इतनी स्टेबल हो जाए कि नेक्स्ट आप जो सेट है उसी पावर के साथ लगा सकें जो आप पहला सेट लगा रहे हैं। तो ये अभी जो है थ्रू साइंस की चीज़ प्रूफ की गई है कि ये भी एक मसल बिल्डिंग फैक्टर में बहुत अच्छी जो है वो पोजीशन क्रिएट करता है। ओके सो आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रेस्ट आप हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज 3 बिगिन की, फिर एक्सरसाइज करेंगे 3 सेट्स। उसके बाद कल रेस्ट डे, रेस्ट डे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वजह से, मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग 7 डेज अभी वर्कआउट करते हैं लेकिन गलत है, बॉडी को एक दिन रेस्ट जरूर देना चाहिए। अभी 3 सेट्स उसके करेंगे हैमस्ट्रिंग, 2 एक्सरसाइज मोर और उसके बाद एब्स की करके रैप अप करेंगे। तो अभी सेकंड एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की करने जा रहे हैं, इसके 5 सेट्स करूंगा। तो पहले 3 एक्सरसाइज करनी थी, 3 सेट, लेकिन अभी 2 करूंगा, 1 के 5 की हैं 1 के 3 की हैं, एक में ड्रॉप कर लिया। तो ड्रॉप सेट हर सेट में ड्रॉप सेट कोशिश क्या करेंगे करें और जो है इंटेंस वर्कआउट। और अभी इसके 5 सेट करने, 2 सेट हो गए स्टिप डेडलिफ्ट जैसे कहते हैं, लेकिन मैं डंबल से कर रहा हूँ, स्टिप डंबल से, और हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एब्स का एक वर्कआउट करेंगे और कॉल्स का करेंगे, देन कल जिम बंद हो गया लेकिन हम वर्कआउट करके जाएंगे लास्ट टाइम।
ओके तो ये था आज का वर्कआउट और कल ऐसे होगा और प्रॉबेबली मंडे से देन बैक टू रूटीन और होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। शुभ बॉय।